Hello, let's read this question. And the question says that part A an object 2 cm tall stands on the principal axis of a converging lens of focal length 8 cm. Find the position, nature, and size of the image formed if the object is part 1 12 cm from the lens, part 2 6 cm from the lens. Part B state one principal application each of the use of such a lens with. ऑब्जेक्ट इन दोजिशन वन एंड टू तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं तो इस क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है कि एक ऑब्जेक्ट है टू सेंटीमीटर टॉल है कन्वर्जिंग लेंस के और उस लेंस की फोकल लेंथ एट सेंटीमीटर है तो हमें बताना है कि साइज नेचर और जो पोजीशन है इमेज की वो क्या होगी जब ऑब्जेक्ट ट्वेल्व सेंटीमीटर पर है और सिक्स सेंटीमीटर पर है और हमें बताना है पार्ट बी में की जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होगी इन दोनों की वो क्या होगी तो इस क्वेश्चन में जो बच्चों हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे की कॉन्सेप्ट वो हम यूज करेंगे यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस कॉन्वेक्स लेंस कॉन्वेक्स लेंस तो जैसा कि बच्चों हमें यहाँ पर गिवन है कि हमारे पास फोकल लेंथ क्या है एट सेंटीमीटर फोकल लेंथ को बच्चों हम यहाँ एफ से डिनोट करते हैं और ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पर क्या गिवन है कि जो ऑब्जेक्ट की हाइट है हमारे पास ऑब्जेक्ट हाइट को बच्चों हम एच से डिनोट करते हैं वो हमारे पास टू सेंटीमीटर है और पार्ट ए की अगर बच्चों हम बात करें ए में पार्ट वन की यहाँ पर ए में पार्ट वन की तो उसमें हमारे पास जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो हमें गिवन है ट्वेल्व सेंटीमीटर तो ऑब्जेक्ट हमें डिस्टेंस गिवेन है माइनस ट्वेल्व सेंटीमीटर बच्चों माइनस साइन ये शो कर रहा है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो लेंस के फ्रंट पर है या फिर लेंस के लेफ्ट साइड पर है तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है कि हमें पता है कि पोजीशन क्या होगी और नेचर क्या होगा इमेज का यहाँ पर तो आइए हम देख लेते हैं इसमें तो हम जानते हैं कि हमारे पास जो लेंस फॉर्मूला होता है वो होता है वन बाई वी माइनस वन बाई यू इज इक्वल टू वन बाई एफ तो अगर बच्चों हम यहाँ पर ये यह सभी वैल्यूज रख दें तो हमारे पास कुछ इस तरह से हो जाएगा ये वन बाई वी माइनस हमारे पास u क्या है यहाँ पर माइनस ट्वेल्व टू फोर का लेंथ है हमारे पास एट सेंटीमीटर अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास वन बाई वी इज इक्वल टू वन बाय एट माइनस वन बाय ट्वेल्व तो ये आ जाएगा हमारे पास बच्चों थ्री माइनस टू बाय ट्वेंटी फोर तो ये हो जाएगा हमारे पास वन बाई ट्वेंटी फोर तो इमेज डिस्टेंस आएगा बच्चों हमारे पास ट्वेंटी फोर सेंटीमीटर यहाँ पर बच्चों इमेज डिस्टेंस प्लस में आया है तो इसका मतलब क्या है जो हमारी इमेज है वो रियल है रियल है और राइट हैंड साइड पर है अब हमें यहाँ बताना है कि जो इमेज का साइज है हमारा वो क्या होगा अब हम जानते हैं बच्चों की इमेज मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमारे पास होता है वी बाई यू और ये इक्वल होता है एच डैश पर इमेज डिस्टेंस है और एच यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है तो अगर इस फॉर्मूले पे हम वैल्यूज रखें तो देखिए क्या होता है तो ये आएगा हमारे पास v हमारे पास क्या आया है 24 u हमारे पास क्या गिवेन है यहाँ पर माइनस ट्वेल्व और बच्चों h डैश हमें निकालना है यहाँ पर और h हमें देख सकते हैं ऑब्जेक्ट का जो हाइट है हमारे पास वो है टू सेंटीमीटर तो यहाँ से हमारे पास एच डैश आ जाएगा इसे सॉल्व कर, कर माइनस फोर बच्चे हम माइनस साइन ये शो कर रहा है कि जो हमारा हमारी इमेज जो है वो बेसिकली इनवर्टेड है या फिर हम कहें बिलो द एक्सिस है बिलो द एक्सिस है और इन्वर्टेड है तो अगर हम बात करें यहाँ पर पार्ट ए के वन की तो जो हमारी इमेज है वो कैसी है जो उसका नेचर है वो है रियल और इन्वर्टेड और इनवर्टेड इन्वर्टेड है और जो इमेज है हमारी वो लार्जर देन द ऑब्जेक्ट है लार्जर देन द ऑब्जेक्ट लार्जर देन ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज बनी है हमारे पास और हमारे पास इसका इमेज की इमेज का जो पोजीशन है वो है ट्वेंटी फोर सेंटीमीटर और जो हाइट है वो है हमारे पास माइनस फोर का मतलब बेसिकली बच्चों माइनस यहाँ पर ये यह शो कर रहा है कि हमारी इमेज इन्वर्टेड है और बिलो द एक्सेस है आइए अब बात करते हैं पार्ट बी की यहाँ पर यहाँ पर पहले बच्चों पार्ट ए का ही सेकेंड पार्ट कर लेते हैं आप तो सेकंड पार्ट में हमारे पास जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो क्या है हमारे पास अब माइनस सिक्स तो माइनस साइन बेसिकली यही शो कर रहा है कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ है फ्रंट पर है कॉन्वेक्स लेंस के या जो है लेफ्ट हैंड साइड पर है अब आइए हम वैल्यूज रख देते हैं सभी तो हम जानते हैं कि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है लेंस फार्मूला वो क्या होता है वन बाई वी माइनस वन बाई यू इज इक्वल टू वन बाई एफ ये होता है अब हमारे पास सभी वैल्यूज़ हैं वो वैल्यूज़ रख देते हैं तो वन बाई वी हमें यहाँ पर निकालना है तो ये हमारे पास फॉर्मूला कुछ इस तरह से हो जाएगा वन बाई एफ प्लस वन बाई यू तो हम देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर कि हमारे पास एफ क्या है बेसिकली फोकल लेंथ क्या है हमें यहाँ पर फोकल लेंथ गिवन है पहले से ही वो है हमारे पास एट एट सेंटीमीटर तो ये हो जाएगा वन बाय एट और U क्या हमें किए है बच्चों यहाँ पर माइनस सिक्स तो ये हो जाएगा माइनस सिक्स तो यहाँ पर ये यह हो जाएगा बच्चों हमारे पास थ्री माइनस फोर डिवाइडेड बाय ट्वेंटी फोर तो ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास माइनस वन बाय ट्वेंटी फोर तो V क्या आया बच्चों यहाँ पर हमारा माइनस ट्वेंटी फोर सेंटीमीटर बच्चों माइनस साइन जो है बेसिकली ये इमेज का हमें ये शो कर रहा है कि जो हमारी इमेज बनी है वो लेंस के फ्रंट पर बनी है या फिर हम कहें कि लेफ्ट साइड पर बनी है लेंस के और हम जानते हैं कि लेफ्ट साइड पर ये जो फ्रंट पर बनती है लेंस की इमेज वो एक वर्चुअल और इरेक्ट इमेज होती है तो यहाँ पर ये हमारी इमेज कैसी होगी वर्चुअल और इरेक्ट अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है हाइट हम जानते हैं कि हमारे पास मैग्नीफिकेशन का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों वी वाई यू और यहाँ पर ये एच डैश का मतलब है इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट यहाँ पर यह ऑब्जेक्ट हाइट बच्चों एच डैश का मतलब है इमेज हाइट और एच का मतलब है ऑब्जेक्ट हाइट ये एच डैश इमेज हाइट एच ऑब्जेक्ट हाइट अब हम ये वैल्यूज रख देंगे यहाँ पर हमारे पास बी की क्या वैल्यू आई है माइनस ट्वेंटी फोर हमारे पास यहाँ पर यू क्या गिवन है वो है माइनस सिक्स एच डैश हमें निकालना है और एच हमें गिवन है यहाँ पर क्वेश्चन में टू तो यहाँ से हमारे पास बच्चों एच डैश की वैल्यू आती है इमेज की हाइट की वैल्यू आती है साइज की वैल्यू आती है एट सेंटीमीटर बच्चों यहाँ पर जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमारी हाइट जो है इमेज की वो पॉजिटिव आ रही है तो मतलब जो हमारा हमारी जो इमेज बनी है वो अबव द एक्सिस बनी है और वो एक वर्चुअल इमेज है तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो नेचर होगा इमेज का वो कैसा होगा वो होगा वर्चुअल वर्चुअल इरेक्ट एंड वर्चुअल and मैग्निफाइड 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 अब जैसे कि बच्चों हम देख सकते हैं यहाँ पर कि हमारे पास पार्ट बी में कहा गया है कि हमें इसका एक प्रैक्टिकल यूज बताना है इनमें से जो हमारे पास दोनों पार्ट है इनका एक एक तो अगर बच्चों हम पार्ट वन की यहाँ पर बात करें अगर हम बात करें यहाँ पर पार्ट वन की तो जो पार्ट वन है यहाँ पर हमारा उस ये बी में हमारा जो फर्स्ट यूज होगा जो पार्ट फर्स्ट का हम यूज कर सकते हैं वो है एज अ फिल्म प्रोजेक्टर इसे हम फिल्म प्रोजेक्टर में यूज कर सकते हैं फिल्म प्रोजेक्टर प्रोजेक्टर और अगर बच्चों हम बात करें यहाँ पर सेकंड पार्ट की कि हम सेकंड जो हमारी पोजीशन है उसका हम कैसे यूज कर सकते हैं तो उस बच्चे से हम एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह यूज कर सकते हैं एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास क्योंकि हम जानते हैं कि वर्चुअल इमेज की जरूरत पड़ती है हमें मैग्नीफाइंग ग्लास में मैग्नीफाइंग ग्लास सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल बेस्ट ऑफ लक